अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये इस टाइम तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं वेट कर करके थक गई हूँ। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग मशीन लगाई, काम किया, बच्चों को भेजा, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। तो खैर, मैंने ये टॉर्च लगाई है, मैंने कहा चलें काम करते हैं। और ये देखें, मैंने बेड शीट्स वगैरह सीधा कर लिए, बिस्तर वगैरह। मैंने कहा चलें आपके साथ जो भी गई लाइट में अपनी रूटीन शेयर कर सकते हैं तो वही करते हैं। तो चलें अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ना हम बना लेते हैं गर्दनों का सालन, ठीक है? बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपना एक प्याज डाल दो बेटे, इसको रखते हैं। अब घी डालते हैं इसमें, जल्दी जल्दी ना क्विक सर्विस हो जाए खाना बन जाए। अच्छा, जिस दिन पूरे दिन की लाइट जाती है ना बहुत बुरी कैफियत होती है। मुझे तो ऐसा लगता है बस पूरा दिन वीरान गया है और सर में शरीर दर्द है, सीरीज हो जाती है। ये सब चीज़ें तो लाइफ का पार्ट होती हैं। थोड़ा सा प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा हुआ है। अच्छा, आज मुझे ना तकरीबन सुबह ना अजाना के टाइम जब मेरी आँख खुली उस टाइम पे ही मुझे इसका अंदाजा था कि आज लाइट छट जाए, क्योंकि पिछले दिन की आज के दिन लाइट गई थी पूरे दिन के लिए। वहाँ मुझे आगे बेटा टमाटर, ये देखिए हमारा मसाला जो है तकरीबन लाइट ब्राउन हुआ है। अब इसमें मैं ये चिकन डाल दूँगी, थोड़ा सा टमाटरों की कटिंग करके बीच में ऐड करते हैं। जल्दी बन जाती हैं, ये कटने अटने का साथ में इतना देर नहीं करती। मैं फिर भी बना देती हूँ क्योंकि अभी मैं खाऊँगी तो मैंने मसाला भी जाना लगा रहा था। मसाला जो है ना पूरा दिन लेट होते होते ही ये टाइम आ गया सारे काम। लेकिन चले, ये भी लाइफ का हिस्सा ही है कि चले मैंने फिर भी ना क्योंकि सुबह कपड़े वॉश कर दिए तो उस पर ज़्यादा हमारा टाइम देना, क्योंकि बिजली का काम भी इसके साथ ही था। इन्होंने फटाफट ऊपर डाल है कपड़े, बस फिर क्लीनिंग की साथ ही। बस किचन थोड़ा सा रह गया, सारा दम पर लगाऊँगी, साथ किचन सारा क्लीन कर दूँगी, सारे को जैसे काम। और ये देखिए लोग आ रहे हैं सारे, तो ये देखिए ये देखें जी, ऑलमोस्ट मसाला हमारा सालन का रेडी हो गया। अब इसे थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और फिर उसके बाद इसे दम पे रख देते हैं। और अब इस्मा उठ गई है और किचन की ये सिचुएशन है। अब इस्मा को कहती हूँ कि इस्मा मुझे किचन नीट कर दे, तो क्योंकि मैंने अभी नमाज भी पढ़नी है जोहर की। अच्छा, तो व्यूअर्स फाइनली हम लोगों की लाइट आ गई है और मैं आपको दिखाती हूँ जब बच्चे स्कूल से आए हैं पेपर देके तो उस टाइम हम लोगों की लाइट नहीं थी। ये देखिए हम ऐसा दोबारा सो गई, रज़ा भी। क्लीनिंग मैंने सारी कर ली थी, बस ये था कि अंधेरा था तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। इस्मा महा भी दोबारा सो गई आके। और ये मैं आपको किचन दिखाती हूँ, मैंने पानी रखा था, थोड़े से बर्तन है वो वॉश कर लूँगी, लेकिन ये है कि अब पहले सालन का करते हैं तो फिर उसके बाद। देखें जी, रुमैसा मेरी पूरे फैशन के मूड में फेर रही है। और रुमैसा आप क्या खेल रही हो, आप ही के साथ खेल रही हो? अच्छा, किधर है आप ही माँ? हाँ, अच्छा बैग करते हैं क्योंकि आपने टेबल इतना सही से नहीं याद किया, दोबारा याद करो। ठीक है, ठीक है। रजा के पेपर में टेबल भी था? कौन सा वाला टेबल था? टू टू का टेबल था। अच्छा सही,
तो आज ड्राइंग का पेपर नहीं था इसका? ड्राइंग का था पहले का, जो मैथ्स का था उस वो हमारा था, 3 का था। अच्छा, मैसा का 3 का टेबल था जी। अभी हम टीचर टीचर खेल रहे हैं। अच्छा, पढ़ लिया पेपर की तैयारी कर ली महा ने जी। और मैसा ने? मैंने भी खा लिया। और मैसा का कल कौन सा पेपर है? वो इस्लाम याद का। अच्छा, ओरल है जी। रिटन तो खत्म हो गया मेरा ख्याल है जी, बस दो उनके रह गए हैं। मेरा एक नाजरे का रह गया, नाजरे और रहता हमारे लास्ट है परसों। परसों लास्ट है, फिर मौजे ही मौजे, छुट्टियां करना ठीक है ना? हम लोगों की भी फिर छुट्टियां हो जाएंगी। कल मेरा भी मैम। रुमैसा रजा का भी कल मैथ, सॉरी इस्लामियात का जी। और अच्छा, जैसा कि आपने देखा आज हम लोगों की लाइट नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सालन बनाया और बाकी घर का काम मैनेज किया। तो तकरीबन मैंने आपके साथ अपने किचन की जो है ना दोपहर की रूटीन शेयर की। और इसके अलावा ये कि अब बस किचन नीट करना थोड़ा सा रह गया, मैं थक गई थी तो मैंने सोचा है कि अब मैंने नमाज पढ़नी है। और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ न्यू रूटीन के साथ आएंगे। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा अपना बहुत सारा।